हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो पंकज जी, नितिन, रेणुका सभी खाटू श्याम मंदिर में गए थे राजस्थान में जो है, और साथ ही सालासर धाम में गए थे बालाजी में। और देखिए इस वीडियो में कैसे उन्होंने जलंधर से खाटू श्याम का सफ़र तय किया और खाटू श्याम जी के दर्शन किए। जय खाटू श्याम जी की। तो हम यहाँ रुके थे गन्ने का जूस पीने के लिए। हम तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। रुके थे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। अब हम गाड़ी में ये प्रेशर चेक करवा रहे हैं। गाइस, हम ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए। माँ भगवती होटल रेस्टोरेंट होटल खाना खाने के लिए रुके हैं और 3:30 बज गए हैं। अभी भी खाटू श्याम जी का रास्ता 350 किलोमीटर पड़ा है। तू हेलो करो दीदी को, हेलो करो दीदी को। कहाँ है दीदी? ये हमने मंगाया था दाल फ्राई, बटर पनीर मसाला और मशरूम 2 प्याज़ा। साथ में लेंगे हम गर्मा गर्म चपाती। तो फाइनली हम लोगों का खाना हो चुका था और हम निकल रहे हैं अब खाटू श्याम जी के लिए, जो यहाँ से अभी कम से कम 360 किलोमीटर दूर है। कम से कम 6-7 घंटे का सफ़र। तो फाइनली हम 640 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके अपनी लोकेशन पर आ गए हैं। और यहाँ आने के लिए हमें जलंधर से खाटू श्याम जी के लिए कम से कम 12 से 13 घंटे लगे। तो हम होटल अमर पैलेस में रुके थे, जो रिंगस में है, जो खाटू श्याम जी के मंदिर से 11 किलोमीटर पीछे है। बहुत बढ़िया होटल मिल गया हमें और ये पार्किंग भी अच्छी सुविधा है और बच्चों के लिए खेलने के लिए। चाय पी लेंगे बढ़िया मीठे वाली। ये हमारे होटल का अंदर से व्यू है। हम कमरे में जा रहे हैं। ये हमारा छोटा शैतान बच्चा रो रहा है। ये गुन्नू भाई सब, ये रूम एक ये रूम लिया है हमने और ये सामने। अब इसको अनलॉक करते हैं। तो अब हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं होटल वेलकम ढाबा पर। तो अब यहाँ से हम खाना खाएंगे। तो अभी इस टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया आते आते।
तो यहाँ का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्वक है। हेलो गाइस, हेलो काकू जी, कैसा लग रहा है आपको आकर? बड़ी मम्मा, आपको कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी आपको ये बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो मिट्टी में खेलना शुरू हो गया और भाग कूद कर रहे हैं। तो गाइस सब आ चुके हैं अब रोटी खाने के लिए, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। अब हम जल्दी जल्दी खाना खा के होटल में सोएंगे, फिर सुबह बाबा जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो फाइनली गाइस हमारा खाना आ चुका है, लंबी वेट के बाद नितिन ने अपने लिए मंगवाए थे दम आलू, हमने आलू मटर और दाल फ्राई मंगवाई थी। तो गाइस हम खाटू श्याम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो हम अब निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के लिए, यहाँ से तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर है। जय श्री श्याम। कार हमने यहाँ पर पार्किंग में लगा दी है, अब जा रहे हैं श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। जय श्री श्याम। तू भी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, सामने श्री श्याम जी शरण जी का गेट है और हमारे पीछे वाले ये तो जय श्री श्याम। तो सामने है श्री श्याम जी का गेट, बहुत चहल है यहाँ पर। जय श्री श्याम। इतिहास बनाऊंगा तन तेरा वैसा, ये है श्री श्याम जी खाटू जी के मंदिर जाने का रास्ता। काफी अच्छी अच्छी प्रसादों की दुकान सजी हुई है। काफी सुंदर नजारा मंदिर जाने का रास्ता। तो हम भी किसी शॉप से प्रसाद लेते हैं और चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने। और सामने श्री श्याम जी का मंदिर, आ गए बाबा तेरे दर पे हम। जय श्री श्याम।
तो ले लिया हमने प्रसाद और जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। हमारे का सहारा श्री श्याम हमारा, जय खाटू वाले बाबा की जय। सामने है बाबा जी का दरबार, तो हम जा रहे हैं माथा टेकने। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हो गए थे हमारे दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, खुले डुल्ले दर्शन हुए। तो अब हम जा रहे हैं सीताराम मंदिर प्राचीन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम। तो हो गई थी बच्चों की शॉपिंग, टॉयस वगैरह ले लिए थे। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। अब धीरे धीरे रश शुरू हो चुका है। तो हो गए हमारे दर्शन श्री श्याम बाबा जी के। अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग को। ये है श्री श्याम जी का गेट दरबार। बहुत अद्भुत नज़ारा, बहुत सुंदर दर्शन हुए। अगली बार जल्दी से बुलाना श्याम हमारे। हो गए थे हमारे दर्शन श्री खाटू श्याम जी के। अब हम जा रहे हैं सालासर बालाजी, तो यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर है। जय श्री श्याम सर, जय खाटू श्याम जी।